स्पीड्स कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। आज हम बेसिक जो पूरी की पूरी टाइमलाइन है वो उसका ओवरव्यू करवाता हूं, बिकॉज वो जब ओवरव्यू क्लियर होगा तो आगे की थीम्स क्लियर होगी कि व्हाट इज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है। और यह जो पार्ट है कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का, लीव असाइड इंडियन कन्वेंशन, इंडियन लॉज, इंडियन स्कीम, उसको अगर छोड़ दो तो ये केवल ये टॉपिक जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रोटोकॉल, यूपीएससी ने टिल डेट 50-55 क्वेश्चन पूछे हैं, ऑन एन एवरेज 3-4 क्वेश्चन हैं। बट हम उन क्वेश्चन को जो है करंट के भरोसे छोड़ देते हैं। आज जो टॉपिक है उसमें जो ये पूरी टाइमलाइन है, बिकॉज जब हमारी टाइमलाइन क्लियर होगी तो हमें रटना नहीं होगा, और इस टाइमलाइन से हमें ये भी समझ में आएगा कि यूपीएससी किस एरिया से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है और वह क्यों पूछ रहा है। बिकॉज जो उसके पास्ट के क्वेश्चंस हैं, अगर वो हमें पता लगेगा कि 2014 में उसने कोई क्वेश्चन पूछा है, आज की डेट में हमारे लिए क्या है, पूछा है तो हमें पढ़ना है। बट अगर हम 13 में होते और 13 में जो कुछ चल रहा था और उसने अगर पूछा है, वो अगर पता लगेगा तो हमें फ्यूचर का भी पता लगेगा, फ्यूचर में क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो यह जो टाइमलाइन है ये हमें आज देखनी है। अभी क्यों पढ़नी है, इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो यूपीएससी ने 2022 में यह क्वेश्चन पूछा है, जहां पर ऑल्दो ये न्यूज में है बट यहां पर जो इसने EP100 और इसके कंटेक्स्ट में अंडर 2S कोलिशन पूछा है, वो अंडर 2S कोलिशन कहीं ना कहीं एनवायरमेंट टाइमलाइन का पार्ट है। ये सेम अंडर 2S कोलिशन जो है ऑप्शन में है 5th नंबर, ये यूपीएससी ने जो है 2020 में भी पूछा है, 2020 में भी जब उसने अंडर 2S कोलिशन दिया है, वह भी आपकी इस पूरी पूरी टाइमलाइन पे आता है। यहां पर जो तालनोवा डायलॉग है वह आपका कैटोविस में सबमिट हुई 18 और 17 में सबमिट हुई है, तो 17 के सबमिट के कंटेक्स्ट में यह न्यूज में है। जहां हम जब पढ़ेंगे तो बुल्ला जोन, बोन जोन, तो बोन जोन के कंटेक्स्ट से पहले ही तालनोवा आया था और तालनोवा से क्वेश्चन है, तालनोवा से क्वेश्चन है, यह ऑप्शन दिया है यूपीएससी ने। अब इसी कंटेक्स्ट में यह तो अब कॉमन हो चुका है नगोया और ये, बट यहां पर वो अंदर जाने को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है तो डिटेल में जाएगा, AAU क्या होता है, असाइंड अमाउंट यूनिट्स क्या होता है, प्लस आपके JI क्या है, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन क्या है, उस कंटेक्स्ट में उनकी इकाइयां क्या है, वो पूरा देखना है। क्योंकि सिंपल अभी पूछा है वो फिर वो डिटेल में जाएगा, आज हम वो पूरा ओवरव्यू एक टाइमलाइन, ताकि जब फर्दर हम पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा। और ये डिबेट भी क्यों हुई है वो भी हमारा टॉपिक होगा। फिर इसी कंटेक्स्ट में 16 में उसने एजेंडा 21 सीधा सीधा 1992 के कंटेक्स्ट में पूछा है, एजेंडा 21। अब इसी में जो है 2015 में उसने क्वेश्चन पूछा है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, जो इस साल भी न्यूज में है बिकॉज REDD में कुछ हो रहा है करंट में, और REDD फाइनलाइज हुआ था 2013 में, UNREDD, और क्वेश्चन पूछा था। बट ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो जिस क्लास में हम जो सीख रहे हैं थॉट से कैसे अप्लाई करना है, उस थिंकिंग से भी ये क्वेश्चन होगा। अगर बिकॉज टाइमलाइन से अगर हमें वो थीम पता है किसी एरा की, किसी एरा में क्या चल रहा था या किसी टाइम पीरियड में क्या फिलोसॉफी थी, अगर वो क्लियर है तो अगर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस फिलोसॉफी, उस थिंकिंग को याद रखते हुए क्वेश्चंस हो जाएंगे। यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। तो FCPF ऐसे ही नहीं पूछा है, रेंडम उठा के पूछ लिया है। REDD फाइनलाइज होगा जो हम टाइमलाइन में देखेंगे। फिर इसने 2015 में ग्रीन क्लाइमेट फंड, और ग्रीन क्लाइमेट फंड अभी भी न्यूज में है, 2023 की जो सबमिट हुई है, 2025 के बाद का फ्यूचर क्या होगा फंडिंग का, उस पर बात हुई है। 15 है बट उसका ओरिजिन होगा 2010 से, पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन पूछा है।
अब इस कंटेक्स्ट में जो एनवायरमेंट फंड्स हैं उन पर हर साल यूपीएससी का क्वेश्चन है, और इस फंडिंग में अगर नहीं आ रहा तो हमें क्या सोचना चाहिए वो भी हमें सीखना है, और वहां ऑलमोस्ट यूपीएससी में वो फिट डायरेक्शन वही रहती। फिर अब आते हैं हम टाइमलाइंस पर, बट इट्स टाइमलाइंस पर जाऊं तो पहले जो है हमें पढ़ना पड़ेगा एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में थिंकिंग क्यों जनरेट हुई, कारण क्या है। ऑल्दो वो प्रीलिम्स का पार्ट होगा बट वो थिंकिंग जब एनवायरमेंट या ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट पर क्वेश्चन आ रहा है तो उन क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन लिखने के लिए ये अभी की जो डिबेट है आगे काम आएगी, और उन डिबेट से यूपीपीएससी भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है उन बुक्स से, उन वेरियस फिलोसफीज से। और उस एनवायरमेंट डिबेट में 2022 में भी कुछ हुआ है, एक बुक आई है जो करंट है जो नेसेसरी यूपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी पहला टॉपिक हमारा डिबेट, डिबेट से फिर हम यह है पूरी की पूरी थिंकिंग क्लियर करेंगे। आज तुम्हारा केवल पर्पज जो है वो लिखना नहीं है, इस टाइमलाइन को अपने अंदर इम्बाइब करना है ताकि नेक्स्ट 3-4 days, 5 days ये टाइमलाइन चले तो एक ओवरव्यू क्लियर हो, कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज वो ओवरव्यू जब क्लियर होगा तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज क्या करते हैं, या तो हम इसको करंट का पार्ट मान लेते हैं या रट्टा मारते हैं, और अदरवाइज हम अननेसेसरी उन चीजों को याद रखते हैं जो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, आज का सिंपल जो होगा वो होगा इस टाइमलाइन को याद रखना, इस टाइमलाइन का एक थिंकिंग जनरेट करना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे इसमें फिर हम पूरा डिटेल में, तो आज जो भी है जिस ईयर में जो भी हुआ है उसका एक ओवरव्यू जो है मैं तुम्हें दे दूंगा, साथ साथ वो तुम बना भी सकते हो। अल्टीमेटली जब पूरी क्लास होगी तो उसका ये जो समरी है पूरा 5-6 क्लास के बाद यही तुम्हें आगे काम आएगा, तब वो थॉट जनरेट होगा। बट इससे पहले नाउ वी विल गो टू दी फर्स्ट सम बेसिक टर्मोलॉजी, समझना है यूपीएससी पूछेगा नहीं बट आगे याद लेक्चर चलना है तो टर्मोलॉजी पहले पता होनी चाहिए। उसमें 3 बेसिक टर्मोलॉजी है अगर हम क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन की बात करें तो। सबसे पहली जो टर्मोलॉजी है वो है कन्वेंशन, हिंदी में बोलते हैं अभिसमय। कन्वेंशन जो है वह गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट्स है, वो एग्रीमेंट्स जो है जो कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर है जिनमें जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यह एग्रीमेंट दे रही है कि वो उन प्रिंसिपल को क्या करेगी, मानेगी, वो होता आपका कन्वेंशन। तो कन्वेंशन इट्स सेंस जो एक ब्रॉड थीम है, जैसे क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉड थीम है, उस ब्रॉड थीम को कवर करेगा कौन, कन्वेंशन। अब उस कंटेक्स्ट में रूल्स क्या होंगे, उस कन्वेंशन का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, उसकी व्याख्या कैसे की जाएगी, या उसमें किसी रूल्स के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स क्या होगा, वो सब कुछ काम होगा कहां पर, प्रोटोकॉल में। वो कहां पर काम होगा, प्रोटोकॉल में। तो कन्वेंशन जो है एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स है कंट्रीज के बीच में, जहां पर यह एक क्या है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, औपचारिक दस्तावेज है, जहां कंट्रीज अपने आप को क्या करते, कमिट करते हैं, वह एक प्रतिबद्धता जताते हैं उन प्रिंसिपल्स के प्रति जो कन्वेंशन में क्या है, एग्रीड हुए हैं, जिसे पार्टीज ने क्या दी है, सहमति दी है। और इस कंटेक्स्ट में वह जो है ये कन्वेंशन स्पेसिफिक क्या लगा सकता है, जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, जैसे क्लाइमेट चेंज UNFCCC जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑब्लिगेशन क्या है, आपको कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो इंडस्ट्रियल जो है रिवोल्यूशन उसके बाद क्या करना है, लिमिट करना है। तो यहां पर वो क्या करते हैं, ऑब्लिगेशन। और ये कन्वेंशन जो है जनरली आपके फॉर्मल डिप्लोमेटिक जो आपका प्रोसेस है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके द्वारा क्या किए जाते हैं,
उसको उस डिप्लोमेसी के द्वारा फिर क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। समझना है, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कन्वेंशन क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, वो पूछेगा नहीं। कन्वेंशन याद रखना है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है बिटवीन द कंट्रीज, बाइंडिंग, जिसमें कंट्रीज क्या करेंगे, कमिटमेंट देंगे, जो एग्रीड प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग वो क्या जताएंगे, अपनी प्रतिबद्धता जताएंगे, अपनी क्या जताएंगे, प्रतिबद्धता जताएंगे, वो होता है क्या कन्वेंशन। और इसके अपोज में एग्जांपल कन्वेंशन का आगे हम वही पढ़ेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिफाइड पॉलिसी आपका यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इस तरह कन्वेंशन है। फिर आपके प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल भी जो है ये सप्लीमेंट्री है, जहां कन्वेंशन है क्या है, ब्रॉड है, ब्रॉड थीम है, प्रोटोकॉल उसको क्या है, सप्लीमेंट है। जब कन्वेंशन की इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जो लाइन लिखी है उनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वह डिफाइन कौन करता है, प्रोटोकॉल। और जो कन्वेंशन के सदस्य हैं जनरली वही सदस्य क्या हो, कहां होंगे, प्रोटोकॉल में होंगे। बट जरूरी नहीं कि सारे प्रोटोकॉल में जो है वो सबके मेंबर किसके हैं, कन्वेंशन के हैं। तो प्रोटोकॉल जो है एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जो एडिशनल ऑब्लिगेशन भी लगा सकता है, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इस कॉन्टेक्स्ट में उस क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ गैसेस हैं, उन गैस को लिमिट करना है, तो गैस रिस्पॉन्सिबल है। ब्रॉड थीम क्या है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में उन गैसेस जो है उनको क्या करना है, लिमिट कर रखना है। उसके कॉन्टेक्स्ट में ऑब्लिगेशन कहां डिफाइंड है, प्रोटोकॉल में डिफाइंड है। तो यह एडिशनल क्या दे सकता है, ऑब्लिगेशन दे सकता है। और ये प्रोटोकॉल जो है जनरली सप्लीमेंट और जो आपके कन्वेंशन उनको मॉडिफाई करके क्या करता है, यूज होता है। जैसे आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता के लिए अभी समय है, जैव विविधता का संरक्षण करना। अब उसके कंटेक्स्ट में दो प्रोटोकॉल है, आगे हम पढ़ेंगे, नगोया प्रोटोकॉल और कार्टाजिना प्रोटोकॉल। अब दोनों का पर्पज क्या है, अलग है। तो वे सीबीडी का जो मेन पर्पज है उसी को क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो कन्वेंशन जो है वह आपकी क्या, एक ब्रॉड थीम होगी, ब्रॉड थीम होगी। और जनरली प्रोटोकॉल जो है उसके सदस्य या सारे जो प्रोटोकॉल के सदस्य हो, किसके सदस्य होंगे, जो प्रोटोकॉल जिस कन्वेंशन का क्या है, पार्ट है। पर जरूरी नहीं कि सारे कन्वेंशन के सदस्य किसके पार्ट हो, प्रोटोकॉल के पार्ट हो, प्रोटोकॉल के पार्ट हो। अब इसी में एक और वर्ड आएगा जो हमेशा तुम सुनते हो, सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिन्होंने कन्वेंशन को साइन किया है या प्रोटोकॉल को साइन किया है, जो सदस्य उस प्रोटोकॉल के हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी जो बॉडी है जो उन मेंबर्स के बिहाफ पर क्या लेती है, निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है, मेंबर के बिहाफ पर क्या लेती है, डिसीजन लेती है। तो वो जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको बोलते हैं क्या, सीओपी। ये मीटिंग इस सीओपी की हर साल भी हो सकती है, दो साल में एक बार भी हो सकती है। जैसे क्लाइमेट चेंज पर जो अभी समय है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, उसकी मीटिंग हर साल होती है, पर 2020 में नहीं हुई। ऐसे ही अभी जो समिट चल रही थी आपका मेक्सिको और इधर यूएनसीबीडी का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसकी मीटिंग कितनी है, हर दो साल में एक बार होती है। तो सीओपी कौन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कन्वेंशन जो या प्रोटोकॉल है उसकी जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें मेंबर्स क्या है, सदस्य, वो क्या है आपकी, सीओपी। याद नहीं रखना है बट समझना है कि क्वेश्चन यही आएगा यहां पर। बट ये टर्म जनरली फ्रिक्वेंटली क्या होंगे, यूज होंगे। कन्वेंशन आपका ब्रॉड होगा, कन्वेंशन के अंदर क्या है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है, सप्लीमेंट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, सप्लीमेंट या मॉडिफाई। प्रोटोकॉल आपकी एडिशनल क्या दे सकते हैं, जिम्मेदारी भी दे सकते हैं, ऑब्लिगेशन दे सकते हैं, ऑब्लिगेशंस दे सकते हैं। सीओपी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो सर्वोत्तम निर्णय लेगी किसके बिहाफ पर, जो कन्वेंशन के सदस्य है या जो प्रोटोकॉल के मेंबर्स। अब ये सीओपी हर प्रोटोकॉल के लिए नंबरिंग अलग हो सकती है, हर कन्वेंशन के लिए क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, डिपेंडिंग तुम कहां से काउंट कर रहे हो। तो यूनिफ ट्रिपल सी है, यूनिफ ट्रिपल सी की पहली समिट अगर जो हुई है 1995 में हुई, तो वहां पर सीओपी वन कहलाएगा, सीओपी वन कहलाएगा। अब इसी में दो टर्म आएगी,
सिग्नेचर, दो टर्म आएंगे, सिग्नेचर और रेटिफिकेशन, इसको भी जान लेना क्योंकि ये भी टर्म्स आएंगे, साइन करना, फिर है अनुमोदन करना, रेटिफाई करना। कन्वेंशन आ चुका है, अब कन्वेंशन को फॉर्मली किसी कंट्री ने कहा कि हम अपनी क्या देते हैं, एग्रीमेंट देते हैं, सहमति देते हैं, तो कंट्री वहां क्या विलिंग है, उसने अपनी क्या, सरकार ने क्या जता दी है, इच्छा जता दी है, मंशा जता दी है, अपना एग्रीमेंट दे दिया। अब यह तब तक इस कंट्री में लागू नहीं होगा जब तक इसकी पार्लियामेंट या कंट्री उसको फॉर्मली क्या ना कर दे, लागू ना कर दे। तो वो अगर फॉर्मली लागू कर रही, वही क्या है, रेटिफिकेशन। जैसे हमारे यहां रेटिफाई सिंपली कौन कर देती है, कैबिनेट कर देती है, जबकि यूएस में सीनेट क्या करेगी, लॉ पास करेगी। तो इन दोनों में बंतर समझना, जो कई बार आएगा, साइनिंग हुआ या कंट्री ने रेटिफाई किया, समझ में आ रहा है, तो कई बार साइनिंग हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है, रेटिफिकेशन में क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। लागू अपने देश में, साइन नहीं, साइन कोई भी देश कर सकता है ना, इंडिया ने कर दिया, पर इंडिया ने जब कहा तभी करेगा ना। अब एक्चुअल में आपको लागू करना है, एक्चुअल में उसके लिए क्या बनानी है, स्कीम्स, पॉलिसीज, रेटिफिकेशन होगा। अब इसी कंटेक्स्ट में एक और होगा कि कई बार एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, साइन होने के बाद वो क्या होगा, वर्ल्ड लेवल पर एनफोर्स होगा। तो इस एनफोर्समेंट के लिए कुछ मिनिमम सदस्य चाहिए, जो पहले क्या करते, अपने देशों में उनको क्या करते, लागू कर दे या हस्ताक्षर कर दे। जब वह हो जाएगा तब वह वर्ल्ड ओवर क्या होगा, लागू होगा। तो कई बार टर्म आएगा, इस दिन लागू हुआ है, इस समय लागू हुआ है, इस समय क्या हुआ है, विश्व में एनफोर्स हुआ है, इस समय हस्ताक्षर हो गया है, और इस समय क्या हुआ है, एनफोर्स हुआ है। ये आएगा कई कन्वेंशन में, साइनिंग इस ईयर हुई है, रेटिफिकेशन इस साल हुआ है, ये याद नहीं रखना है तुम्हारी समझ के लिए बस। साइनिंग मतलब हस्ताक्षर, लागू मतलब जब एक्चुअल में क्या हो रहा है वर्ल्ड में, उसके कंटेक्स्ट में क्या ली जा रही है, स्टेप्स ली जा रही है, कदम लाए जा रहे हैं। रेटिफिकेशन जब कंट्री उसको अपने देश में क्या कर दे, लागू कर दे, वो आपका रेटिफिकेशन। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है, क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर, क्योंकि इनके बिना आगे कुछ नहीं होगा, बिकॉज आगे की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, आगे की जो टाइमलाइन है वो इसी पे चलेगी, वो इसी पे चलेगी। एक मिनट, ये क्लियर है, पूछेगा नहीं, बट टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए। अब आगे हम आते हैं एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में, कहें तो वी हैव टू पे अटेंशन टू द एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट और उसके कंटेक्स्ट में ध्यान देना चाहिए। तो ये थीम 1972 के बाद बहुत मुखर हो गई, और 50s में इस कंटेक्स्ट में जो है थोड़ी बहुत अवेयरनेस जगी, बट एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में हमें एनवायरमेंट और उसके कंटेक्स्ट में ध्यान देना चाहिए। यह सबसे पहले अपनी राइटिंग में माल्थस ने कहा था। माल्थस एक इकोनॉमिस्ट था, और उसने एक ऐसे लिखा था, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जहां उसने बताया था कि अगर ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती रही और आपके रिसोर्स लिमिटेड हैं, तो कैसे आपकी पॉपुलेशन एक्सीड कर जाएगी, उसके कंटेक्स्ट में क्या नहीं होंगे, रिसोर्स नहीं है, तो आपको उस पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कैटास्ट्रोफी होगी। तो उस कंटेक्स्ट में उसने कहा कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वह एक्सपोनेंशियल तौर पर
ज्योमेट्रिक तौर पर क्या करेगी, वृद्धि कर रही है, और आपका संसाधन जो है वह अरिथमेटिक मीन से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो एक पॉइंट पर आपका क्या होगा, कैटेस्ट्रॉफी होगी, दुर्घटनाएं होगी, और यहां पर आपके वॉर्स हो सकते हैं, नेचुरल इवेंट्स हो सकते हैं, जिस कंटेक्स्ट ऑफ नेचर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो इस कंटेक्स्ट में माल्थस ने यह दिया था कि हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और उसी थीम को जो है 1950s में अगेन जो है राइटिंग्स में लिखा गया बहुत राइटर्स के द्वारा। अब माल्थस का ये जो मॉडल है उसका क्या क्रिटिसिज्म है, वो हमें एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट फॉर द जीएस एंड एज ए एनवायरमेंट स्टूडेंट फॉर द जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें एज ए एनवायरमेंट बस इतना याद रखना है, माल्थुशियन थ्योरी एंड एसे ऑन पॉपुलेशन, जब वो क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन पूछेगा। अब यहां पर माल्थस का क्रिटिज्म क्या है, बिकॉज और माल्थस ने क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अलाउ किया था कि नहीं किया था पॉपुलेशन चेक के लिए, वो हमारा मुद्दा नहीं, वो हमारा मुद्दा नहीं है, उसका क्रिटिज्म है। अब इसी थ्योरी को आगे ले जाते हुए नियो माल्थुशियन थ्योरी आई, नव माल्थसवाद, तुम्हें अभी इतना याद रखना है, एंड एसे ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन बाई माल्थस 1798। उसे ही जो है रिवाइव किया गया नियो माल्थुशियन थ्योरी के द्वारा, जैसे सबसे पहली बुक आई थी 1948 में, अवर प्लंडर्ड प्लेनेट, अवर प्लंडर्ड प्लेनेट बाय फेयरफील्ड ऑसबॉर्न। इस टाइमलाइन से यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्वेश्चंस हैं बुक्स के, केवल तुम्हें बुक्स के नाम याद रखना, मैं समझाते रहता हूं क्या है, वो तुम्हें इलेबरेट नहीं पूछेगा। अगर वो इलेबरेशन याद है एक एक लाइन का, वो तुम्हें मेंस में यूज होगा, मेंस में भी सीधा नहीं पूछेगा, एज एन इंट्रोडक्शन यूज होगा तुम्हारा। 1948 में माल्थुशियन थ्योरी को लेते हुए बुक लिखे गई, दो बुक्स आई हैं, एक आपकी अवर प्लंडर्ड प्लेनेट बाय फेयरफील्ड ऑसबॉर्न, दूसरी बुक है रोड टू सर्वाइवल बाय विलियम वोगट, रोड टू सर्वाइवल बाय विलियम वोगट, VOGT, विलियम वोगट। जहां यह अवर प्लंडर्ड प्लेनेट यह बात करती है कि ह्यूमन जिस तरह कृषि कर रहा है उसकी वजह से मृदा का अपवर्धन कैसे हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, और अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो आपकी रिसोर्स जनरेशन जो कैपेसिटी अर्थ की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और उसी को आगे लेके उसी को बड़ा फॉर्म दिया है रोड टू सर्वाइवल विलियम वोगट ने, जहां उसने जो है वर्ल्ड का इकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, वर्ल्ड जिस ग्रोथ मॉडल की तरफ जा रहा है कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म क्या है, रिसोर्स को क्या करता है, बहुत ज्यादा ही एक्सट्रैक्ट करता है। वह जो कैपिटलिज्म का मॉडल है वह अनसस्टेनेबल है, और उसकी वजह से हम नए डायस्ट्रक को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, उसका वार्निंग दिया था इस बुक ने। तो यहां पर जो अवर प्लंडर्ड प्लेनेट है, ये जो है यह ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट को कैसे नुकसान पहुंच रहा है, इसकी वार्निंग दे रही है। जहां पर अवर प्लंडर्ड प्लेनेट जो फेयरफील्ड ऑसबॉर्न की है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सॉइल इरोजन कैसे बढ़ रहा है, उसकी वार्निंग दे रही है। तो यहां पर जो रोड टू सर्वाइवल है, यह ह्यूमन की, मानव की जो करंट एक्टिविटीज है, जो उसकी गतिविधियां है, जो उसका कैपिटलिज्म मॉडल है पूंजीवादिता का, वह जो है इकोलॉजिकल कैसे डिजास्टर को जन्म दे रहा है, यह हाईलाइट किया था किसने, रोड टू सर्वाइवल विलियम वोगट। पीटी में या तो पूछेगा टाइमलाइन, या मेंस में एज एन इंट्रोडक्शन यूज होगा माल्थस 1798, उस डिबेट को जो नव माल्थसवाद ने इस बुक के द्वारा रिवाइव किया, वह वार्निंग अभी ट्रू होती हुई नजर आ रही है, इस तरह मेंस में इंट्रोडक्शन बनेगा।
इसी से जो है इंस्पिरेशन लेते हुए आपकी 1962 में बुक आई है द साइलेंट ऑफ स्प्रिंग, जिसके राइटर हैं राकेल कार्सन, जिसमें कहा गया कि ह्यूमन एग्रीकल्चर में किस तरह जो पेस्टिसाइड यूज कर रहा है और इस कंटेक्स्ट में उस पेस्टिसाइड को बेचने के लिए इंडस्ट्री किस एडवर्टाइजमेंट का सहारा ले रही, और वह सॉइल जो है उस सॉइल की क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसे हाईलाइट किया गया साइलेंट ऑफ स्प्रिंग के द्वारा। इसी की जो है रिवाइवल बुक आएगी 1996 में, जो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, इसी की रिवाइवल बुक आएगी 1996 में। तुम्हें यह याद रखना है साइलेंट ऑफ स्प्रिंग हाईलाइट किया किसको, पेस्टिसाइड के इनडिस्क्रिमिनेट यूज को, जो कीटनाशक है उनके अंधाधुंध उपयोग को उसने हाईलाइट किया है। वैसे कोई पूछेगा नहीं पर्पज क्या था, जो पूछेगा वो क्या पूछेगा, मैच दी कॉलम आएगा, मैच दी कॉलम आएगा। अब इसने जो हाईलाइट किया, ये जो तीन आ रही है, ये जो तीन है, इसी से प्रेरणा लेते हुए एक बुक आ गई आई 1968 में, पॉपुलेशन बम, ह्यूमन की पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ कर रही है, पॉपुलेशन का कैसे एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन का कैसे एक्सप्लोजन हो रहा है, और ये पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोजन हुआ, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोजन हुआ तो उसको रिसोर्सेज चाहिए, तो कैसे वो डिजास्टर को जन्म दे सकता है, उसकी वार्निंग के लिए बुक आई है, कौन सी, पॉल आर अर्लिच की, कौन सी, पॉपुलेशन बम। अब इसी समय देखो ये 68 का थीम है, इसी 68 में हमारा पास पोस्ट वैसेक्टॉमी हो रही कि नहीं हो रही थी, पोस्ट नसबंदियां वर्ल्ड में जो थीम चल रही वही कहां दिखेगी तुम्हें, इंडिया में भी दिखेगी, उसी समय हो रहा था ना, जो आपका इमरजेंसी लगा था 68 में आई आपकी 75-76 का एरा याद करो। अब इसके बाद फिर यहां पर आएगा 1972 को, मैं समझा देता हूं, टाइमलाइन याद रखनी है बस। 1972 आपका 1968 में विभिन्न जो थिंकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, यूएन के जो विविध रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने 1968 में क्लब बनाया था, क्लब ऑफ रोम, जो एक क्या था, थिंक टैंक था। उस थिंक टैंक के द्वारा जो है एक थ्योरी दी गई बुक के फॉर्म में, जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ क्या कहा गया उसमें, उसमें कहा गया कि हमारा करंट का कंजम्पशन लेट्स से यह है, फ्यूचर में कंजम्पशन ऐसे से बढ़ेगा, हमारा अभी का रिसोर्स यह है और हमारी करंट कैपेसिटी, हम रिसोर्स को इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अगर करंट का यह पैटर्न रहा तो फ्यूचर में वो रिसोर्स कितने समय तक क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो इस तरह का एक कंप्यूटर का सहारा लेते हुए, कंप्यूटर के सिमुलेशन का सहारा लेते हुए, लेट्स से दिस एक्स है, एक्स की ग्रोथ यह है, आपके एक्सप्रेशन की ग्रोथ यह है, तो उस कंटेक्स्ट में क्या रहेगा, उन्होंने क्या दिया, एक मॉडल प्रतिपादित किया कि आपकी ग्रोथ की लिमिट कब तक हो सकती है, इस ग्रोथ को आप कब तक क्या कर पाओगे, सस्टेन कर पाओगे, वही थी आपकी क्या, लिमिट्स टू ग्रोथ। और उसी समय 1974 में आपका क्या हुआ, ऑयल क्राइसिस हुआ, जो उसने चेतावनी दी सामने तुरंत क्या आने लगी, नजर आने लगी, और इसकी बहुत सी जो है बुक की प्रतियां बिक गई थी, और इसकी वार्निंग क्या आ रही थी, नजर ट्रू आ रही थी, ऑल्दो आज की डेट में वह थ्योरी सही नजर नहीं आती, पर तुरंत उसमें क्या था, सही नजर आ रहा था। अब यह भी एक अपना अलग से मॉडल है, हमें एज ए जीए स्टूडेंट नहीं पढ़ना है, यह जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो पूरी थ्योरी को पढ़ेगा, पर हमें एनवायरमेंट के पर्पस इतना याद रखना है 1972 क्लब ऑफ रोम, और उसी के 50 साल हुए इस साल, और उस पर 2022 में एक बुक आई है, तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैं लिखवाऊंगा उस नाम बुक का नाम। 2022 में 50 साल हो चुके हैं क्लब ऑफ रोम को, लिमिट्स टू ग्रोथ के आने के बाद, और उस पर क्या आई है, बुक आई है, और साल करंट में था वो। तुम्हें इतना याद रखना है, बुक्स के टाइमलाइन याद रखनी है, बुक को लिखा किसने है। इसी में मैं तुम्हें एक और बता रहा था 1996, जो इसका क्या है, रिवाइवल है। तो 1962 में आपका जो है, जो आपकी लिमिट्स टू ग्रोथ है, इसी पर आपकी आई है बियॉन्ड साइलेंट स्प्रिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड केमिकल सेफ्टी 1996 में, जो ये वार्निंग इसने दी थी, क्या पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, पेस्टिसाइड से आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसी थीम को आगे ले जाते हुए 1996 में बुक आई है
प्योर साइलेंट स्प्रिंग बाई बाई ये एडिट की गई है एच एफ वेन एमडेन एंड डेविड माइकेल के द्वारा. बस नाम याद रखना है ऑथर का, तुम्हें नहीं पूछेगा वो. बस बियॉन्ड साइलेंट स्प्रिंग कब आई है? 1996. ऑथर के नाम याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, नहीं रखोगे तब भी चलेगा. एच एफ वेन एमडेन एंड डेविड पाइकेल. डेविड पाइकेल आफ्टर 34 इयर्स ऑफ साइलेंट ऑफ स्प्रिंग. साइलेंट ऑफ स्प्रिंग. क्लियर क्लियर क्लियर. अब इसी में मैंने बोला था मॉडल जिसे लिमिट्स टू ग्रोथ कब आई है? 72. किसने दी है? क्लब ऑफ रोम. क्लब ऑफ रोम का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1968. तो उसने मॉडल दिया था कि आपका ये इंडस्ट्रियल आउटपुट रहेगा, आपकी पॉपुलेशन इस तरह ग्रो कर रही है, अगर ऐसे ही आपका रहा तो ये आउटपुट कितना सस्टेन कर पाएगा, गैप कैसे होगा, कैटास्ट्रोफी क्या होगी. तो उसने क्या दिया? मॉडल दिया है. वही आपकी क्या है? लिमिट्स टू ग्रोथ. इसको इन लोगों ने लिखा था, डोनेला एच मिडोज, डेनिस एल मिडोज, तो कई बार आता है मिडोज एंड मिडोज, जॉर्गन रेंडर्स एंड विलियम एल डब्ल्यू बहनेस थर्ड. लिख लो नाम साइलेंट ऑफ स्प्रिंग के ऑथर. याद नहीं रखना है बट नोट्स में होना चाहिए. यूपीपीएससी पूछ लेता है, यूपीएससी नहीं पूछता है. बियॉन्ड साइलेंट ऑफ स्प्रिंग, सॉरी लिमिट्स टू ग्रोथ के ऑथर. लिमिट्स टू ग्रोथ के ऑथर. इसी के 50 इयर्स के बाद में आपकी बुक आई 2022 में, 2022 इसका रिवाइवल है. और उस बुक का नाम है, उस बुक का नाम है अर्थ फॉर ऑल ए सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी. जो लिमिट्स टू ग्रोथ है उसके 50 इयर्स के बाद उसका जो रिवाइवल है उसी थीम को आगे ले जाते हुए क्लब ऑफ रोम के द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है, बियॉन्ड फॉर ऑल ए सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी. जहां पर जहां जो हमारा पॉलिसीज हैं, हमारे करंट पॉलिसीज कैसे हो सकते हैं, हम कैसे अपनी पॉलिसीज अपने एक्शन प्लान से किस तरह अवेलेबल जो मींस हैं उससे सबके लिए कैसे कार्य कर सकें, उसके लिए यह पॉलिसी गाइड का काम करती है. यह जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं उनको वह यह थॉट देती है आप इस एक्शन से सबके लिए क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो. और इस बुक को लिखा है आपके सैंड्रीन डिक्शन डिक्लेवे, ओवन कैफेनी, जयति घोष, जिनके आर्टिकल तुम द हिंदू में पढ़ते हो, इकोनॉमिस्ट हैं ये, एंड जॉन रॉकस्ट्रॉम पर स्पेन, और स्टोकन्स एंड जॉर्गन रेंडर्स. नाम याद रखना, लिखो बियॉन्ड साइलेंस, इसका नाम लिखो, मैं पर्पस लिखा देता हूं बस, क्योंकि इसको तुम्हें यूज करना है मेंस में, पेपर फोर में यूज होगा. अर्थ फॉर ऑल डॉट डॉट ए सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी, ये पूरा बुक का नाम है, 2022 में पब्लिश हुई. सीधा इस पर क्वेश्चन हो सकता है, यह भी क्लब ऑफ रोम के द्वारा है, बिकॉज जो यह है सैंड्रीन डिक्शन डिक्लेवे, ये को चेयरमैन है क्लब ऑफ रोम के. इसका लिखवा देता हूं हिंदी में, अर्थ फॉर ऑल ए सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी. यह बुक उन नीतियों के बारे में व्याख्या करती है
व्याख्या करती है, जिसे मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। और ये लिमिट्स टू ग्रोथ के 50 साल के उपलक्ष्य में, और यह बुक लिमिट्स टू ग्रोथ के 50 साल के उपलक्ष्य में लिखी गई है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन आता है, लिख सकते हो जो इसमें कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें कुछ आइडिया पता है, लिख दो, बुक का हवाला दे दो, उसके कंटेक्स्ट में तुम्हारा एक्शन प्लान क्या होगा, इस कंटेक्स्ट में, इस बुक में जो लिखा गया है वो आपके लिए क्या हो सकती है, गाइड हो सकती है इस तरह। ऑथर के नाम कॉपी में लिख जरूर लिए, याद नहीं रखना है, लिख लो भले, याद नहीं रखना है, नहीं पूछेगा। बट ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आगे बढ़े, यह थी इन सब ने एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या किया, डिबेट जनरेट की, और इसी के बाद एक नीड हुई कि वर्ल्ड लेवल पर ह्यूमैनिटी को एक कंबाइंड एक्शन लेना चाहिए, जहां पर यूएन के बिहाफ पर इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक्शन प्लान्स होने चाहिए, जो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेप्स लें और ह्यूमैनिटी एनवायरमेंट को जिस तरह डिस्ट्रॉय कर रही है या इकोलॉजी को जिस तरह इंपैक्ट कर रही है, तो वर्ल्ड लेवल पर हम एक यूनाइटेड एक्शन कैसे ले सकते हैं, उसकी नीड की आवश्यकता होगी। तो उसी नीड के कंटेक्स्ट में इन सारी बुक्स ने, स्पेशली जो 1970 से पहले हैं, उन्होंने उस जो है अवेयरनेस और एक लॉबिंग का वर्क किया है कि यूएन को एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। इसी कंटेक्स्ट में 1968 में स्वीडन जो है वहां पर जो है स्वीडन में कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई थिंकर्स की, पॉलिसी मेकर्स की, और उन्होंने यूएन को कहा कि वी शुड स्ट्राइव फॉर अ यूनाइटेड एक्शन फॉर द एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक एकीकृत जो है कदम की आवश्यकता होनी चाहिए। और उसी के बाद 1972 में आपकी पहला यूनाइटेड नेशन का क्या हुआ है, सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट पार्ट हम चलेंगे, और यही आज की क्लास का मेन टॉपिक है, जो अब 5 से 6 क्लास उसी का पूरा एलिब्रेशन चलेगा, तो वह है आपकी एनवायरमेंट की टाइमलाइन। नेक्स्ट हेडिंग, एनवायरमेंट टाइमलाइन। अब इसमें देखो जो हमने पढ़ा है उस पर ये यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है सीधा सीधा, बिकॉज ये टॉपिक जो है उस पर अब पीसीएस में भी ज्यादा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन क्लब ऑफ रोम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनवायरमेंट टाइमलाइन, या इंटरनेशनल एक्शन प्लान और इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रोटोकॉल, कुछ भी कह सकते हो। क्लियर? इनका अंदर का पार्ट क्या होगा हम बाद में देखेंगे। इस कंटेक्स्ट में सबसे पहले 68 में स्वीडन ने कहा कि यूनाइटेड नेशन को जो है एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए एनवायरमेंट की। तो इसी कंटेक्स्ट में सबसे पहले 1972 में आपकी क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन का क्या हुआ है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, क्योंकि इसका नाम एज ए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस तुम जानते हो, बट इसका दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अब इसके तहत क्या प्रिंसिपल्स आए हैं, क्या एक्शन प्लान्स हैं, ये हम बाद में देखेंगे, अभी मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं। 1972 आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। अब एक बात याद रखना, आपके कुछ जो है टाइमलाइंस अलग अलग चलेगी, अभी एक टाइमलाइन का मैं
हवाला दे रहा हूं, वही टाइमलाइन जो है आगे कुछ कुछ पार्ट में रिपीट होगी अदर अदर एक्शन एरिना में। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंसेस की। तो यूनाइटेड नेशन की सबसे पहली 1972 कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसका नाम है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसका दूसरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, मानवीय वातावरण। यह जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है यह हर 20 साल बाद होते हैं। तो यहां पर 1972 के बाद आपकी दूसरा यूनाइटेड नेशन का सम्मेलन इसके बीच में भी हुआ है, मैं गैप को फिल करूंगा। 1992 में आपका सेकेंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसको तुम बोलते हो पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, जिसका दूसरा नाम है रियो कॉन्फ्रेंस, और इसका जो नाम है जहां पर आयोजित उसी के नाम पे, और इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका तीसरा नाम याद रखना है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण पर विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अर्थ समिट। और इसी के बाद जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशन की वह है आपकी 2012, जिसको आप बोलते हो रियो प्लस 20, रियो प्लस 20, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसी टाइमलाइन में यह जो आपकी टाइमलाइन है, इसी टाइमलाइन में हम बाद में पढ़ेंगे 2002 में भी कुछ होगा, 2002 में भी कुछ होगा, उसको हम बीच में लाएंगे, ठीक है। ये एक टाइमलाइन है। अब इसी में देखना है, इस गैप को मैं बाद में फिल करता हूं, पहले यहां आता हूं 1992, यहीं पर बनाना है। 1992 में आपके तीन कन्वेंशन आए हैं, सॉरी दो कन्वेंशन आए हैं, दो कन्वेंशन आए। कई लोग यह तीन सोच लेते हैं, एक्चुअल में जो UNCCD है 1992 में नहीं है, वो बाद में आया है, बट उसके प्रिंसिपल कहीं ना कहीं यहीं से हैं। यहां पर आपका आएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNFCCC, क्या क्या हम बाद में देखेंगे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 कन्वेंशन आएगा। यहीं पर दूसरा जो कन्वेंशन आएगा वो आएगा यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी UNCBD। और यहां पर अदर जो प्रिंसिपल आएंगे वो आएगा एजेंडा 21, यहां पर आएगा फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये दोनों बाइंडिंग होंगे, बाद में हम डिटेल में करेंगे, ये दोनों बाध्यकारी होंगे। अब बाध्यकारी में आएगा एजेंडा 21, एजेंडा 21, एजेंडा 21 फॉरेस्ट प्रिंसिपल, फॉरेस्ट प्रिंसिपल। और थर्ड आएगा रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण व विकास पर रियो उद्घोषणा,
सो 1992 में आपके दो कन्वेंशन आएंगे, UNFCCC, UNCBD, ये दोनों ही जो है बाइंडिंग होंगे, बाध्यकारी होंगे, मींस जिन पार्टी ने इसको हस्ताक्षर किया है उनको इंप्लीमेंट करना ही करना होगा। तीन आपके नॉन बाइंडिंग आएंगे, मतलब जिन पार्टीज ने इसको हस्ताक्षर किया जरूरी नहीं उसको लागू करे, तो उसमें आपका पहला आएगा एजेंडा 21, इन सबको हम बाद में डिटेल में करेंगे, क्वेश्चन है यहां पर। सेकंड आएगा आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल, थर्ड आएगा रियो डिक्लेरेशन, ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब कई लोगों को यह कंफ्यूजन है मरुस्थलीकरण पर जो अभी समय है वो यहीं से आया, यहीं से नहीं आया, 1992 में नहीं है, वो आया बाद में है, पर उसके प्रिंसिपल कहीं ना कहीं इसमें है एजेंडा 21, वो ड्राइव यहीं से होगा, पर एक्चुअल में वो आया 1992 में नहीं, वो आया है बाद में, कहने का मतलब समझ रहे हो ना, उसके प्रिंसिपल यही है, रूट यही है, बट 1992 में इस कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में बात नहीं कही गई, वो बात बाद में हुई, जो एजेंडा 21 से ड्राइव होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या UNCCD, तो यहां इसमें नहीं है, बाद में आएगा, बट साइड में लिख देना यहीं से इस एजेंडा 21 से आएगा UNCCD, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। इन सब के अलावा एक यहां बॉडी आएगी, एक क्या आएगी, बॉडी आएगी, और वो बॉडी बाद में रिप्लेस भी होगी, वह बॉडी आपकी रिप्लेस भी होगी, तो यहां पर आएगा एक और, ये तीन है, ये दो है, एक यहां बॉडी आएगी, अभी समय ला दिया है, अब इसको क्या करना है, रन करवाना है, तो रन करवाना है तो उसकी मॉनिटरिंग करनी, तो उसके लिए एक बॉडी बनेगी यहां CSD, उसके बारे में हम बस आज केवल फ्रेमवर्क जानना, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संपोषणीय विकास पर आयोग, यह आयोग जो है ना 2013 में एक अदर बॉडी आएगी उसे रिप्लेस हो जाएगा, एक अदर बॉडी आएगी उससे रिप्लेस होगा। 1992 में क्या आएगा, CSD, यह बॉडी 2013 में रिप्लेस होगी, वो उस बॉडी का नाम होगा जो इसको रिप्लेस करेगी, उसका नाम होगा हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये टाइमलाइन जब क्लियर होगा, किस टाइमलाइन में आएगा उसी टाइमलाइन से मैं समझाऊंगा पूरा, क्लियर। अब बैक वापस आता हूं, बैक में अभी हम जो टाइमलाइन देखेंगे वो इसकी देखेंगे UNFCCC की, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और उसी टाइमलाइन में इन सब की भी अलग अलग से टाइमलाइन आएगी। तो हमने अभी देखा इंपॉर्टेंट 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यही देखा, फिर हमने इसके जस्ट बाद जंप सीधा कर गए थे 1992, इसके बीच में ये जब कॉन्फ्रेंस होगी तो इसमें कहा जाएगा कि ठीक है हमें एनवायरमेंट के लिए वर्क करना है, वर्क करना है तो कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग कैसे करोगे, तो उस कंटेक्स में यहां पर हमारा यहां पर एलिमेंट आएगा 1979, जहां पर आपकी होगी वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तो यहां क्या होगा वो हमें देखना है, विश्व जलवायु सम्मेलन 79 में। अब ये जब 79 में आएगा तो उसके तीन सम्मेलन होंगे, 79 के बाद
इसका सम्मेलन होगा 89 में, और 89 के बाद इसका सम्मेलन होगा 2009 में, और नेक्स्ट सम्मेलन होगा 2029 में। तो इसका टाइमलाइन अलग चलेगा, यहीं से अलग खुल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? आज केवल ओवरव्यू, जब 4, 6, 7 क्लास हो जाएगी तो ये तुम्हें ऑटोमेटिक इम्बाइब हो जाएगा। फिर यहीं से 1983 में एक आयोग आएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन तैयार करेगा, और उसकी रिपोर्ट आएगी 1987 में। तो 1983 में आपका क्या आएगा, कौन सा आयोग? फ्रंटलैंड कमीशन। इसका क्या प्रिंसिपल है, इसका दूसरा नाम क्या, हम देखेंगे। और इसकी रिपोर्ट आएगी इसकी 1987, जहां पर ये बुक पब्लिश करेगा आवर कॉमन फ्यूचर। क्या है हम देखेंगे 87। इस आवर कॉमन फ्यूचर के बाद भी एक बुक आएगी बाद में, अभी मैं नहीं नाम बोल रहा हूं क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही डाटा चला जाएगा। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का नाम आएगा, 3 में बना है रिपोर्ट, उसकी आई 87 में। अभी बस वो सिंपल याद रखो थिंकिंग। इसी के बाद 1988 में कुछ और होगा। 1988 में जो तुम बॉडी की बात करते हो आईपीसीसी, इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आएगा 88 में। अब जब 88 में आएगा तो इसकी कुछ रिपोर्टें आएगी, वो हमें बाद में देखनी है। तो हमें फुर पूरा पढ़ना किसके बारे में, आईपीसीसी। तो जब हमारी टाइमलाइन चलेगी ना, तो ये टाइमलाइन नहीं चलेगी, मैं यहीं से क्या होऊंगा, थोड़ा डाइवर्ट होऊंगा और उसको समझाते हुए आगे निकलूंगा। समझ में आ रहा है, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं होगा, ये टाइमलाइन क्लियर होगी। तो अब उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे 1992। तो 1992 में हमने देखा है तीन आपके जो है नॉन बाइंडिंग आए हैं 92 में, दो आपके क्या है कन्वेंशन बाइंडिंग आए, और एक आपका क्या है आयोग आया, कमीशन आया है। अब इसी में यहां पर ये दो हैं, UNFCCC और UNCBD, इसका टाइमलाइन चलेगा अलग से, बट ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा UNFCCC का। तो अभी जो मैं टाइमलाइन करवाऊंगा UNFCCC करवाऊंगा, जहां इस UNFCCC की हर साल चलेगी मीटिंग, तो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में वो सारा ब्रेकअप होगा क्या चला है, उसके पैरेलल अगर कुछ चलेगा तो मैं उसको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर ये 1992, तो अब नेक्स्ट हमारी जो टाइमलाइन चलेगी वो किसकी चलेगी, UNFCCC की चलेगी। ये UNFCCC साइन कब हुआ है, 2 में हुआ है। अब स्पेसिफिक मेंबर कंट्रीज इसको जब रेटिफाई कर देंगे अपने देश में, तो ये क्या होगा वर्ल्ड में, एनफोर्स हो जाएगा। तो ये एनफोर्स होगा वर्ल्ड में 1994। कौन एनफोर्स होगा, UNFCCC। अब जब एनफोर्स हो जाएगा तो पार्टीज क्या करेगी, मीट करेगी। तो इसकी पहली मीटिंग होगी 1995, जिसको हम बोलेंगे COP1, जो होगी बर्लिन में होगी। याद रखना है मैं इसमें बहुत कम लिखवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वहां पर एलिबरेट करूंगा। हाई लेवल पॉलिटिकल फॉरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी भूल जाओ, 2013 में हम वापस आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद COP1, तो इसका COP2 भी होगा 1996, नहीं याद रखना है। इसके बाद आएगा आपका COP3 1997, जो आएगा आपका क्योटो। अब जब ये क्योटो आएगा तो क्योटो को हमें डिटेल में पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है अनेक्स क्या है, नॉन अनेक्स क्या है, साइड लिखते रहना, अनेक्स क्या है, नॉन अनेक्स क्या है। इसमें अनेक्स में भी हमें पढ़ना है अनेक्स ए क्या है,
एनेक्स बी क्या है, एनेक्स ए क्या है, एनेक्स बी क्या है। फिर जब यह आ जाएगा क्योटो में, इसके बाद हमें पढ़ना है कार्बन क्रेडिट। क्योटो के अंदर ही कार्बन क्रेडिट आएगा। पहले एनेक्स नॉन एनेक्स, अब एनेक्स में भी आएगा एनेक्स ए क्या है, एनेक्स बी क्या है, सिस्टमेटिक वे में चलेगा। फिर जब कार्बन क्रेडिट आएगा क्योटो में, 1997 चल रहा है अभी, तो इसमें जब कार्बन क्रेडिट आएगा तो दो आएंगे यहां मैकेनिज्म, परियोजना आधारित, प्रोजेक्ट बेस्ड। दूसरा आएगा मात्रात्मक आधार पर, क्वांटिटेटिव एमिशन रेस्ट्रिक्शन। पहली बार पढ़ोगे बाउंसर मारेगा, और जब एक बार पूरा हम समझ लेंगे ना, बाउंसर नहीं मारेगा, मात्रात्मक उत्सर्जन नियमन, क्वांटिटेटिव एमिशन रेस्ट्रिक्शन। अब यहां पर फिर दो चलेगा, JI ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन और CDM, बस अभी शॉर्ट फॉर्म लिख लो, फुल फॉर्म याद मत रखो, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसके अंदर कार्बन क्रेडिट के अंदर ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, CDM मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब इसके अंदर भी फिर आएगा, छोड़ो अभी, छोड़ दो आज के लिए, इसके अंदर फिर आएगा, अभी इतना याद रखो, ये पढ़ना है, ठीक है। इनके अंदर भी बहुत कुछ आएगा अभी, और इनके बाद एक और यहां आएगा RMU, क्योटो में आएगा रिमूवल यूनिट RMU। ये याद रहेगा ना तो लास्ट में तुम्हें रिवीजन के लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, रिमूवल यूनिट RMU, नहीं ये अलग से है, कार्बन क्रेडिट दूसरा हो गया और तीसरा हो गया आपका रिमूवल यूनिट का कंसेप्ट। रिमूवल यूनिट कार्बन उस क्रेडिट का पार्ट नहीं है, अलग से आएगा थर्ड RMU। पहला आपका एनेक्स नॉन एनेक्स, एनेक्स में ही एनेक्स ए एनेक्स बी का कंसेप्ट आएंगे, सेकंड आपका आएगा कार्बन क्रेडिट, और थर्ड आपका आएगा RMU का कंसेप्ट, क्योटो में आएगा सब कुछ। नहीं अभी मैं समझाऊंगा ना, सब कुछ आएगा ही, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैं तुम्हें टाइमलाइन जब दे रहा हूं ना, टाइमलाइन जाकर दूंगा ना, तो जो पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर 1997 के बाद हम 2000 तक कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा पढ़ेंगे फिर 2001। ये सब कुछ COP चल रहा है, UNFCCC का। ये COP कितनी थी, थर्ड, तो अब काउंट कर लो 5 से, ये कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी ना, 7 हो जाएगी। तो यहां हम पढ़ेंगे ये सबमिट जो होगी वो कहीं जगह होगी, वो होगी मराकेश में। तो यहां पर हम दो फंड पढ़ेंगे, अनुकूलन कोष, अडेप्टेशन फंड, अडेप्टेशन फंड, अडेप्टेशन फंड, मिटिगेशन फंड, सॉरी अडेप्टेशन फंड एंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, SCCF, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। कई लोगों का कंफ्यूजन है, शंकर में गलत लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अडेप्टेशन फंड जो है 2007 में बना है, SCCF, जब ये बना है 2001 में, 2007 में कुछ और होगा, वहां गलत दिया हुआ है। 2007 में एक अडेप्टेशन फ्रेमवर्क बोर्ड आएगा, बुक में गलत है। अब इसके अंदर भी कुछ होगा, अब आगे आता हूं। वैसे मुझे पढ़ना तो नहीं चाहिए, बट वो क्योंकि इंडिया में हुआ इसलिए मुझे पढ़ना है। 2002 दिल्ली डिक्लेरेशन, अदरवाइज हम नहीं पढ़ते, बट बिकॉज इंडिया में हुआ तो ये क्या हो जाएगा, COP 8, जिन जिनको हमें डिटेल में जानना है, भले एक ही लाइन जाननी हो, ये याद रहेगा। अभी मैंने इलोब्रेशन नहीं किया ना, केवल एक थीम बता रहा हूं, तो आज वो पर्पज ही वही था कि तुम्हें वो रट्टा ना मारना पड़े, तुम्हें वो फिर इम्बाइब हो जाए,
इसके बाद 2002 जब आ जाएगा तो सीधा हम जंप करेंगे 2007। 2002 कौन सा हो जाएगा, काउंट कर लो, हर साल हो रहा है, 6 और 7 13 हो जाएगा ना, काउंट करो ना, वे 13 हो जाएगा ना, 7 और 6 13। तो यहां कुछ होगा, तो यहां पर जो है ना आपका ये आएगा REDD। तो हम इसकी फिर अलग से टाइमलाइन करेंगे। इसको करने के लिए हम 97 जाएंगे, 2004 जाएंगे, और फिर इसका हम अलग से पढ़ेंगे, इसको फिर हम अलग से पढ़ेंगे। 97 इसका रूट है, इसका रूट होगा ये यहां पर आएगा दोहा। अभी बस ये याद रखोगे, हमें जाना है, क्योंकि मैं यहां से डाइवर्ट होऊंगा तो ये ना लगे कि कुछ टॉपिक अलग चला गया है। आरईडी की अलग होगी, अभी सिंपल है ये, और भी टाइम है इसका। यहीं से फिर 8 नहीं पढ़ना है, 9 पढ़ना है सीधा। 9 आएगा आपका कोपेनहेगन, कोपेनहेगन के बाद 2010 पढ़ना है कांकून। क्या उल्टा हो गया है, सही है, 9 के बाद 10, 10 के बाद आपका पड़ेगा डरबन। और ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 2012 2013 इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी समझाऊंगा, आगे आऊंगा, कुछ हुआ है इस साल, उसका रूट यहां पर। 2011 होगा डरबन, ये सब कुछ टाइमलाइन किसका चल रहा है, UNFCCC का। यहां पर जो है ना कांकून में एक फंड आएगा, जिसका तुम्हें क्वेश्चन दिखाया था, हरित जलवायु निधि, ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो यहां पर फिर इसका टाइमलाइन अलग चलेगा, जो GCF जो ही आएगा ना, तो GCF का टाइमलाइन क्या चल जाएगा, अलग चला जाएगा। कांकून में हुआ पर फिलोसफी इसकी 9 में आई है। GCF का हम टाइमलाइन अलग पढ़ेंगे, अभी केवल क्या समझा रहा हूं, ओवरव्यू। जब यह समझाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें सारे फंड यहीं करवा दूंगा, क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में जितने भी फंड हैं वो सारे सारे यहां करवाऊंगा। तो इसी में मैं तुम्हें GEF भी यहीं पढ़ाऊंगा, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। कई भी उसमें लिखा हुआ है इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ है, इसका एस्टेब्लिशमेंट एक्चुअल में 1991 है, 2 नहीं है, बुक्स में गलत है। सारे फंड यहां पर आएंगे, ठीक है। 11 डरबन के बाद 2012 आएगा और 2013। 2007 क्या लिखा है, सात बाली है, 7 बाली है, 12 दोहा है, 7 बाली है। अब बाली में बहुत कुछ जो है याद नहीं रखना है, बाली में आरईडी जब आएगा ना, आरईडी तरफ हम जाएंगे। 13 इंपॉर्टेंट है, 13 में आपका एक तो ये आएगा वर्षा, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्षा मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। यहां पर ध्यान रखो, मैंने एल बड़ा लिखा है, डी बड़ा लिखा है, स्मॉल लॉस स्मॉल डैमेज और कैपिटल एल लॉस, इसमें बहुत अंतर है, इस साल के लिए क्वेश्चन हो सकता है उस पर। 13 वर्षा, और यहीं पर आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा UNREDD+, यहीं पर आएगा। अब ये जो 2 हुए ना, इस पर यूपीएससी के क्वेश्चन है, और 2023 जो शराम अल शेख है उसका रूट यहां पर है, जो लॉस एंड डैमेज है। REDD+ आएगा, कंसेप्ट क्या है हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट 14 काम का नहीं है, 15 सीधा, 15 इंपॉर्टेंट है, 15 में आपका आएगा पेरिस,
उसका रूट होगा लॉस एंड डैमेज, वहां फंड नहीं है, प्रिंसिपल है वो, उसका फंड अभी बना है, इसलिए उस बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या है, फिलोसफी क्या, हम देखेंगे। 15 आएगा पेरिस, पेरिस में आपको पढ़ना है, बस शॉर्ट फॉर्म लिखो अभी तो, INDC, अभिष्ट अंशदान, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, फुल फॉर्म में याद अभी मत रखो, यहीं पे आपका आएगा ये कंसेप्ट GST का, GST टैक्स नहीं, ग्लोबल स्टॉक टैक्स, TAKE, यहीं से। फिर आपका 2016 आएगा, 2016 मराकेश अगेन, यहां पर हमें कुछ कुछ एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अंडर 2S कोलिशन वगैरह को पढ़ने होंगे। 2050 पांचवे प्लेटफॉर्म, कार्बन पास्ट अलायंस, इस तरह के पढ़ने होंगे। फिर 2016 बॉन 17, और यहीं पर हमें पढ़ना होगा तालनोवा, जो इस UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, तालनोवा डायलॉग वो अलग है, वो कन्वेंशन है, ये सारा UNFCCC का टाइमलाइन है, ये बॉन अलग है, नहीं वो बॉन चैलेंज भी अलग है, बॉन चैलेंज 2015 का है, बॉन में सम्मेलन हुआ इसलिए नाम है बॉन, UNFCCC का, अभी इतना याद रखो, बॉन में सम्मेलन हुआ है, ये तालनोवा अलग है, यह कंसेप्ट आएगा। 2018 आएगा आपका कैटोविस, रूल्स बनेंगे, रूल्स फाइनलाइज कब हुए हैं, रूल्स को महीन रूप कब दिया गया, ये सारा यहां टाइमलाइन चलेगा। 2019 होना था लीमा में, चिली में, बट वहां प्रोटेस्ट चल रहा था, तो लीमा में नहीं होकर ये हुआ है मैड्रिड में, काम का नहीं है, लिख लो। 20 में सम्मेलन नहीं हुआ है, 21 में गया सम्मेलन ग्लासगो, यहां पर कुछ कुछ हमें पढ़ना होगा, ग्लोबल मिथेन प्लेज, और फिर 2022 श्राम अल्शिक, हाँ यहां पर गैप आएगा ना, ये COP कितना है 27, होना चाहिए था 28। ये चलिए आपकी UNFCCC की, अभी टाइमलाइन नहीं है, इसमें क्या है फीलिंग होना है, इसमें क्या होगी फीलिंग होगी, और यही तुम्हारा 4 से 5 दिन लेगा लेक्चर, ये छोटा नहीं है, ढाई ढाई तीन तीन घंटे की भी अगर लेक्चर होंगे, 5 लेक्चर ले लेगा वो, और यहां पर 50 क्वेश्चन है, 50 में से 30-40 क्वेश्चन यहां पर है। यह तो चला आपका UNFCCC का टाइमलाइन, अब फिर और इसमें कुछ कुछ टाइमलाइन मैंने चलाए, फिर आपका अलग से टाइमलाइन चलेगा इसका CBD का, फिर अलग से टाइमलाइन चलेगा UNCCD का, UNCCD का। तो इन शॉर्ट ये जो पूरा है तुम्हें लिखवाया है, यह आपका चलेगा। अब इसमें क्योटो की भी गुत्थियां आएगी, मैंने गुत्थियां अभी डाली नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर ये थीम क्लियर रहेगा तो तुम्हारा जो है रटने का पैटर्न नहीं रहेगा, तब उस कंटेक्स्ट से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और इसी कंटेक्स्ट में ये जो बुकलेट है PYQ की, आज फाइनलाइज हो चुकी है, टेलीग्राम पर मेल पर आ जाएगी बुकलेट, तुम्हें प्रिंट आउट करके हमेशा साथ में रखना, ताकि क्वेश्चन का पैटर्न समझ में रहेगा। ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा 5-6 दिन चलेगा, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसको करने के बाद हम बढ़ेंगे इंडियन लॉज की तरफ।
यह भी एज ए टाइमलाइन ही हम करेंगे, एज ए टाइमलाइन, बिकॉज वो टाइमलाइन अगर क्लियर होगा तो मैं उस एरा की क्या पता होगी थिंकिंग फिलोसॉफी, और हम क्या कर पाएंगे क्वेश्चन क्वेश्चन कर पाएंगे. क्लियर प्रांजल एंड विकास? यस सर, ऑल क्लियर. थिंकिंग जब क्लियर होगा तो क्वेश्चन, मेनली तुम्हें उस थॉट पे काम करना है, थॉट पे काम करना है. अभी जो भी गैप्स और जो है डाउट वो अपने नेक्स्ट टाइम के लिए संभाल कर रखना, क्योंकि वो डाउट वहां से क्या होंगे, क्लियर होंगे. और जो तुम्हारे पास सिलेबस है वो सिलेबस भी टाइमलाइन में है. देखो अपना सिलेबस, जो तुम्हें सिलेबस दिया हुआ है वो भी एक पूरी टाइमलाइन में है. अगर वो क्लियर होगा और जब तुम्हारे पास नोट्स रहेंगे तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेनली जो है ये नोट्स काम नहीं आएंगे, मेनली काम आएगा क्लास में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैच करेंगे और अननोन क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करेंगे, अननोन क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे. यस यस, वो फ्रेमवर्क का थिंकिंग रहेगा, फ्रेमवर्क का थिंकिंग रहेगा. तो यह जो है तुम्हारा पूरा का पूरा थीम चलेगा. तो ये बुकलेट आज आ जाएगी, तो इसको तुम्हें रखना है, तो तुम्हारे पास रहेगी, इससे तुम्हें पैटर्न समझ में आएगा. क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बिकॉज वो पैटर्न रहेगा, तब पता रहेगा कि हाँ यूपीएससी का ये एरिना है. बिकॉज एनवायरमेंट करंट नहीं, हम उसको करंट मान के छोड़ देते हैं. तीन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एनवायरमेंट हो गया बायोडायवर्सिटी पढ़कर, तो वो एनवायरमेंट है ही नहीं यूपीएससी के अकॉर्डिंग. और इस थीम के द्वारा तुमसे बहुत से क्वेश्चन हो जाएंगे. क्लियर? कोई डाउट? टुमारो लगातार 3 o'clock एक्सेप्ट रिपब्लिक डे. क्लियर? ठीक है, देखते हैं अभी जितना है उतना वाइंडिंग अप की सोच रहा हूं, 15 के आसपास वाइंड अप हो जाए मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम. और ये थॉट बन जाएगा, क्वेश्चंस हो जाएंगे. 20 क्वेश्चन आएंगे इन लेक्चर के बाद, 15 से 16 क्वेश्चन हो जाएंगे डायरेक्टली, नहीं इनडायरेक्ट वे में थॉट्स. कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट विकास? नहीं सर, कोई डाउट नहीं. वो जो सर क्यू वाली सीरीज है यूट्यूब पे, वो एलोबरेट वे में अपन करेंगे ना सर अच्छे से, क्योंकि वो जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है ना वो पब्लिक वाली. कौन सी? PYQ सीरीज है ना सर आपकी, आपकी यूट्यूब PYQ शॉर्ट नहीं, अगर तुम एक क्लास करोगे ना वो तुम्हें एलोबरेशन पता लग जाएगा. हाँ उसी के लिए मैं पूछ रहा था, जो है 5-10 मिनट वाला वो पूरा एलोबरेशन में अपन आगे करेंगे ना. ये एलोबरेशन पूरा समझ में आ जाएगा तुम्हें, ये क्वेश्चन मैं बीच में लूंगा. ओके सर, ओके, थैंक यू. ठीक है, हाँ PPT अपलोड होगा. वो यही, ये सारा वही है, इसलिए मैंने एनवायरनमेंट को 7 दिन क्यों दिया. अगर ये 7 दिन में अगर नोट्स कर लोगे ना, एनवायरनमेंट इसलिए दिन का है, अदरवाइज एनवायरनमेंट में एक